आप सभी को नमस्कार। प्रज्ञा मीना यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ये लहंगे में जो आधे लहंगे में जो कली बना रखी है, इस लहंगे की कटिंग और सिलाई बताऊंगी। मैं आपको ये जो हाफ कली बनाई है, मैंने इसका सबसे आसान तरीका बताऊंगी कटिंग करने का और सिलाई करने का। ये जो कॉटन का कपड़ा लिया है, ये मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है, ये लिया है मैंने 5 मीटर कपड़ा, बंदेज वाला कपड़ा लिया है मैंने। इसमें रेड कलर के में इसमें ग्रीन और येलो कलर की प्रिंट है, तो उसके हिसाब से मैंने जो कली बनाऊंगी उसके लिए येलो कलर का मैंने जो कपड़ा लिया है, ये लिया है मैंने 3 मीटर, ये कपड़ा लिया है मैंने रेड वाला कपड़ा लिया और नीचे वाला लिया है मैंने 5 मीटर। ये दोनों कपड़े मैंने कॉटन के कपड़े लिए हैं, तो ये लिया है मैंने 3 मीटर, ये लिया है मैंने 6 मीटर, मैंने लिया है 6 मीटर। लहंगे की लंबाई है हमारी 36 इंच, तो इसमें कम नहीं काटूंगी और ज्यादा भी नहीं काटूंगी मैं लंबाई। जितनी लहंगे की हमारी लंबाई है, उस लहंगे की लंबाई के हिसाब से उतनी ही कटिंग करूंगी मैं इसकी। इसकी लहंगे की लंबाई 36 है, तो मैं इसके पैरा निकालूंगी वो 36 इंच की निकालूंगी। अगर आपको लहंगे की लंबाई ज्यादा है तो आप लहंगे की लंबाई के अकॉर्डिंग ही इसकी पैरा निकालना। मैं इसमें 36 इंच की पैरा निकालूंगी। ये इस कपड़े को मैं फोल्ड किए हुए ही की कटिंग करूंगी। मैंने इसको फोल्ड कर लिया है, इसमें 36 इंच में मैंने इसको फोल्ड कर लिया है कपड़े को। ये देखो आप, मैंने इसको फोल्ड किए हुए की कटिंग की है। पहले से ही फोल्ड किए हुए की ही मैंने इसमें पैना निकाले हैं 36 इंच के। इसकी चौड़ाई है हमारी 22 इंच है, पूरे की रहती है 44 इंच, तो फोल्ड की हुई में कटिंग किया तो इसकी है 22 इंच। ये देखो 22 इंच है इसकी चौड़ाई। अब मैं इसमें कली नहीं निकालूंगी मैं इसकी, इसमें मैं 4.5 इंच के इसमें निशान लगाऊंगी, 4.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, एक निशान दूसरा निशान 4.5 इंच पे लगाऊंगी मैं इसमें निशान। दोनों तरफ लगाऊंगी मैं निशान 4.5 इंच पे। इन जो निशान लगाए मैंने 4.5 इंच पे, इनको आपस में मिला लूंगी, या तो हम इस बंदेज की डिजाइन के हिसाब से ही ऐसे ही मिला लेंगे, या फिर स्केल या किसी की सहायता से हम इसको आपस में सीधा मिला लेंगे। अब इसमें हम जो निशान लगाए हैं उनके हिसाब से इसमें से पट्टियां निकाल लेंगे 4.5 इंच की। 4.5 इंच की हमने ये पट्टियाँ निकाल ली हैं, 5 मीटर कपड़े में सारी ये पट्टियाँ निकाल ली है। अब जो इसमें डिजाइन जो कली लगाऊंगी मैं डिजाइन के लिए, उसकी कटिंग करूंगी। वो कपड़ा मैंने बंदेज का ही लिया है, ये पीला कपड़ा, ये 3 मीटर कपड़ा लिया है 5 मीटर में, 3 मीटर कपड़ा। अब मैं इसकी कलियाँ निकालूंगी। इस कपड़े को भी मैं फोल्ड किया हुआ है, ये फोल्ड किए हुए में से ही
काटूंगी इसकी कटिंग कटिंग करूंगी। तो मैं इस जो कली बनाऊंगी वो बनाऊंगी मैं 17 इंच की। सत्रह सत्रह इंच में मैं इसका जो 3 मीटर का कपड़ा है इसको मैं फोल्ड कर लूंगी। ये जो कपड़ा निकला है इसको मैं अलग से रख दूंगी। इसको मैं बाद में इसके ऊपर रख के इसकी भी कलियां निकाल लूंगी। ये देखो मैंने 17 इंच में इसको फोल्ड किया है। 17 इंच में किया है मैंने इसको फोल्ड। अब मैं इसको एक बार और फोल्ड कर लूंगी। अब चौड़ाई रह जाएगी हमारी 11 इंच और लंबाई तो हमने 17 इंच ली है इसकी, तो लंबाई है हमारी 17 इंच। और इन सबको आपस में जो मिले हुए हैं इन सबको अलग कर लूंगी काट के। ये देखो ये है 17 इंच लंबाई इसकी 17 इंच है और चौड़ाई है हमारी 11 इंच। मैं इसको आपस में मिला लूंगी। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे इसको सीधा निशान लगा के और इसमें से सीधी कली निकालूंगी। इस तरह से निकालूंगी मैं कली उस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर से सीधा निकाल दूंगी इसको। इस तरह से दो बार में निकालूंगी मैं इसकी कली। ये मैंने 4.5 इंच की तो मैंने पट्टी निकाल ली है। इस कपड़े में से मैंने कली निकाल ली है। अब मैं इसमें मगजी लगाऊंगी ग्रीन कलर की। ये मैंने कपड़ा लिया है उम्मीद मिल्स जो कॉटन का कपड़ा है ये कपड़ा लिया है मैंने। इसमें से मैं इसमें मगजी लगेगी वो 1.5 मीटर कपड़े में लगेगी तो मैं इसमें से 1.5 मीटर कपड़ा निकाल लूँगी। इसमें ग्रीन कलर की प्रिंट है रेड में भी और येलो में भी तो इसमें ग्रीन कलर की ही मगजी लगेगी। मैंने इसमें से ये 1.5 मीटर कपड़ा लिया है मगजी के लिए और मगजी हमको लगानी है सिर्फ 1 इंची की। तो इसमें 2.5 इंची के 2.5 इंची की इसमें से पट्टियां निकाल लूंगी। निशान लगा के दोनों तरफ निशान लगा के मिला के और जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसको निकाल दूंगी और मैं इसमें 2.5 इंची की पट्टियां निकाल लूंगी। निशान लगा के काटेंगे तो हमारी पट्टियाँ एकदम एकदम सीधी लगेगी, सीधी कटेगी तो लहंगे में भी एकदम सीधी लगेगी। तो ये मैंने निकाल लिए 2.5 इंची की पट्टियाँ। अब इसको मैं फोल्ड करके लगाऊंगी तो इसमें मुझे सिर्फ 1 इंची की पट्टी रखनी है तो थोड़ा इसी सिलाई में दब जाएगा तो मैं इसको 1 इंची की रखूँगी सिर्फ पट्टी को। मैंने लहंगे की कटिंग कर ली है मगजी की कटिंग कर ली है। अब मैं आपको इस लहंगे की सिलाई बताऊंगी कि किस तरह से इन कलियों को इस लहंगे में जोड़ते हैं। अब ये देखो ये मैंने पट्टियां लगाई है तो ये कली का जो सीधा हिस्सा है इस सीधे वाले हिस्से को मैं जो पट्टियां लगाई है इन सारी पट्टियों में एक तरफ जोड़ दूंगी। एक तरफ मेन पट्टियों में जोड़ दूंगी। इस तरह से जो कली का जो सीधा हिस्सा है इसको इन जो सारी पट्टियां हैं इनमें सारी पट्टियों में एक तरफ जोड़ूंगी। बस एक तरफ इनमें सब में जोड़ दूंगी ऐसे।
सीधे वाले हिस्से को जोड़ूंगी इस पट्टियों में, इन पट्टियों में और नीचे आगे आगे जो है जहाँ तक ये कली लगेगी सिर्फ वहाँ तक मैं सिलाई करूँगी इसमें और फिर निकाल दूँगी। सारी पट्टियाँ हैं उनमें इस तरह से ही हम सारी कलियों को जोड़ लेंगे। अब मैंने इन सारी पट्टियों को इस तरह से इन पट्टियों में एक एक कली को एक तरफ मैंने सब में जोड़ लिया है। अब मैं इसमें और पट्टियों को जोड़ूंगी तो मैं इसमें ऊपर से सिलाई करूंगी बराबर लेके इन पट्टियों को इस तरह से ऊपर से सिलाई करूंगी इस पट्टियों में। जब ये कली का जॉइंट आएगा तो इसको अच्छे से बाहर की तरफ निकाल के और इसमें अटैच कर देंगे। नीचे की तरफ से नहीं जोड़ेंगे हम कलियों को, ऊपर की तरफ से जो पट्टियां हैं इनको आपस में मिला के फिर नीचे की तरफ निकालेंगे। ये जो कॉर्नर निकलेगा हमारा जो नीचे की तरफ निकलेगा, ये अच्छा कॉर्नर निकलेगा इसमें, ये नीचे की तरफ निकल जाएगा। इन जो सारी पट्टियां हैं इनको सारियों को ऐसे ही जोड़ लेंगे एक एक करके इसमें। तो इस लहंगे में हमारे में घेर बनेगा 14 मीटर घेर बनेगा। इसमें रेड कलर का कपड़ा हमने 5 मीटर लिया है और दूसरा हमने 3 मीटर लिया है, 8 मीटर कपड़ा लिया है मैंने इसमें। तो इसमें नीचे घेर बनेगा हमारा, घेर बनेगा इसमें। इस तरह से इसमें ये कॉर्नर निकलेंगे। जो कॉर्नर निकला है हमको पहले नहीं काटेंगे, इसको मगजी लगाएंगे पहले, उसके बाद में निकालेंगे इस कॉर्नरों को। ये मगजी हम मगजी लगाएंगे तो हमको एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि इसको इस कॉर्नर पे रखेंगे मगजी को, और फिर दूसरा कॉर्नर है जो पट्टी का उस पर लगाएंगे सीधा खींच के पकड़ लेंगे। इसको गोल गोल घुमाएंगे इसको पट्टी को कपड़े के हिसाब से नीचे गोल घुमाएंगे तो हमारा लहंगा एकदम नीचे से गोल नहीं बनेगा और ऊंचा नीचे रहेगा। तो मगजी को लगाते समय सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि इस कॉर्नर पे इसको रोक देंगे और दूसरे कॉर्नर पे हम मगजी को खींच के पकड़ लेंगे एकदम सीधा, तब सिलाई करेंगे इसमें। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा निकला है इसको हम जो मगजी के बराबर इसको बाहर निकाल देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको काट के निकाल देंगे। मगजी से बाहर जो कपड़ा निकल रहा है इसको हम निकाल देंगे काट के। मैंने इसको कपड़े को काट के अलग कर दिया है। अब मैं इसमें मल्टी कलर की लेस लगाऊंगी। तो लहरिया वाली लेस है, मल्टी कलर की लेस लगाई है मैंने। इसमें लेस लगेगी 13 मीटर नीचे की,
नीचे की तरफ इसमें लेस लगेगी 13 मीटर। आप मेरे चैनल को नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको इसी तरह लहंगे की डिजाइन और लहंगे की कटिंग बताऊंगी अगले वीडियो में। कटिंग करना और सिलाई करना बताऊंगी। आप मुझे मेरा लहंगे लहंगा अच्छा लगा था आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आप देखें ये लहंगे में बहुत घेर है, नीचे इसमें ऊपर कम है और इसमें नीचे नीचे ज़्यादा घेर है क्योंकि इसमें मैंने हाफ कली लगाई है। इसमें मैंने मगजी ग्रीन कलर की लगाई है तो इसके ओढ़नी ग्रीन कलर की भी अच्छी लगेगी लहंगे के ऊपर। आप इस पे जो कलियां हैं हमारी येलो कलर की है तो आप इस पे येलो कलर की ओढ़नी भी ओढ़ सकते हैं और ब्लाउज आप इसमें येलो भी बना सकते हो लहंगे की प्रिंट में प्रिंट्स में से, और इसमें आप रेड कलर का भी बना सकते हो। देखो हमारा लहंगा बनके तैयार हो गया है।